नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता अपने YouTube चैनल SPJSG एंटरटेनमेंट पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, रोजाना की तरह मैं अपने चैनल पर एक नए कलाकार, एक नए मेहमान से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं। तो आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हमारे चैनल पे आ चुकी है, जिनका नाम लेते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे चैनल पे बॉलीवुड एक्ट्रेस आई हैं, लावण्या भरद्वाज। थैंक कैसी हैं लावण्या जी? नमस्कार। यू सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार, नमस्कार। आप बताएं, आप और कैसे हम हैं? उषा लोग मैम बढ़िया के हैं। बहुत जी हम लोग सुनते हैं बढ़िया आपसे। हैं। जी जी ठीक हूँ, अब मैं सही दिख रही हूँ? बढ़िया और है। हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे चैनल की खास एंकर उषा झा मैम, जो बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री हैं और जी एक अच्छी नमस्कार, अभिनेत्री भी हैं। और हमारे जी साथ जुड़ नमस्कार। चुके हैं रिकेश महानामा जी, जो हमारे चैनल के पिलर हैं। तो सभी को एक साथ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। बिहार और झारखंड की परंपरा रही है कि अपने गेस्ट को वो भगवान की तरह पूजते हैं, सम्मान देते हैं। तो मैं उषा मैम से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल पे बॉलीवुड एक्ट्रेस आई हुई है लावण्या भरद्वाज, तो इनके स्वागत के लिए एक स्वागत गान प्रस्तुत किया जाए प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, पहले से थैंक यू। आप ये मेहमान हमारे इस आंगन में, आना प्रिय मेहमान हमारे इस चैनल पे, आप भी आना औरों को भी लाना, आप भी आना औरों को भी लाना, स्वागत करेंगे तुम्हारा हमारे इस झारखंड में, स्वागत करेंगे तुम्हारा हमारे इस झारखंड में, आना प्रिय मेहमान हमारे इस चैनल पे, टीका लगाएंगे हम मंगल भी गाएंगे, टीका लगाएंगे मंगल भी गाएंगे, आरती उतारेंगे तन मन से हमारे इस चैनल पे, आना प्रिय मेहमान हमारे इस चैनल पे, आना प्रिय मेहमान हमारे इस झारखंड में। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू सो मच। आपने सच में उतना अच्छा बोल दिया, इतना अच्छा ओके वेलकम मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, सीरियसली। ओके और आप मेरी माँ थैंक जैसी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यू। चलिए, बहुत खुशी होती है कि उषा मैम हमारे जितने भी गेस्ट का स्वागत करती हैं एक नए अंदाज में करती हैं और इस चैनल की भी शोभा बढ़ाती हैं। उषा मैम तो तारीफ के काबिल हैं, और यह नहीं देखती कि मेरा पोस्ट क्या है, वो सबको स्वागत दिल खोल करके करती हैं, चाहे चैनल पे थैंक आए या फिर इनके घर आप चली जाएं। चलिए, आगे मैं आपसे, लावण्या जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल्स में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम लावण्या भारद्वाज है, जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश से। मेरे फादर बिलोंग करते हैं बहादुर, मेरे को एक्चुअली नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं है, छपरावत एक गांव है जी यूपी में, वहां से बिलोंग करते। पापा ने बहुत पहले छोड़ दिया था, उस जगह छोड़ दी थी और इस तरफ आ गए थे पंजाब में, जी तो मेरी पढ़ाई जी जन्म यही पर, सब कुछ यही हुआ है। और मैंने बीए किया है, बीएड किया है, और इसके अलावा मैंने एविएशन में ट्रेनिंग ली थी। बचपन से एक्चुअली मेरा सपना था एक्ट्रेस बनने का, जो कि
नहीं हुआ था पूरा उस समय, किसी का सपोर्ट नहीं था, फैमिली को लगता था कि नहीं अच्छी लाइन नहीं है तो तुम मत करो, तुम पढ़ाई करो, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी टीचर्स हैं, मेरे जी मामा को टीचर, मेरे पापा मामा मासी सभी टीचर्स थे, सबको लगता था कि टीचर इतने बेस्ट और कुछ करना है नहीं, टीचर ही बनना है। तो वो बस मन में शुरू से था कि नहीं टीचर नहीं बन रहा, पापा को खुश करने के लिए बीएड की ट्रेनिंग ले ली थी, लेकिन शुरू से ही जब मैं 8-10 साल की थी तब से बोली थी कि पापा मेरे को ना एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। लेकिन सपोर्ट नहीं था घर पे, क्योंकि था कि यहाँ पर लोग ऐसे ही मानते, अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि एक्टिंग लाइन अच्छी नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लोग अच्छे नहीं होते हैं, फायदा उठाते हैं, तीन देने पड़ते हैं, ऐसी सोच है। पर उनको नहीं पता कैमरा के सामने एक्चुअल में वो सीन कैसे शूट किए जाते हैं, वो हमें भी नहीं मालूम था, अब करने के बाद समझ में आता है कि एक्टिंग क्या होती है। तो बट धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ाई कंप्लीट की और पता चल गया कि मुझे नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं करने देंगे तो, पर घर नहीं बैठना था और टीचर नहीं बनना था, अनफॉर्चुनेटली। माफी चाहती हूँ सारे टीचर्स से मैं, बट फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। उस टाइम 2008 7 8 की बात है, तब बड़ा क्रेज था एयर होस्टेस का कि जी एविएशन की ट्रेनिंग, लड़कियां एयर होस्टेस बनेगी, वो भी थोड़ा लेविश थी, लाइफ थी लग्जरियस लाइफ, इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा, हीरो हीरोइन होंगे, मतलब वो भी इसीलिए कि हीरो हीरोइन देखने को मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दी चंडीगढ़ में एविएशन की, फिर 7 ईयर मैंने वो जॉब किया है, देन एयर होस्टेस कैबिन क्रू थी मैं। फिर जी कुछ ऐसा हुआ कि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ एक एक्सीडेंट हुआ मेरा ड्यूरिंग द फ्लाइट, मैं सर्विंग कर रही थी तो एक टर्बुलेंस आया अचानक ही, टर्बुलेंस मतलब एक झटका आया, तो उस टाइम प्रिपेयर नहीं थे, तो उसके कारण सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल इश्यू हो गया, तो जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि यू हैव टू बी परफेक्ट, फिजिकली परफेक्ट होना बहुत जी जरूरी है उस जॉब के लिए, हर 3 महीने में आपका टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, तो मैं तो फेल होना ही था, वो तो जाहिर सी बात थी, 6 महीने लगे बिस्तर से उठने में, बट फिर भी ये था कि नहीं घर नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है। तो फिर मैंने ई कॉम इंडस्ट्री ज्वाइन की, जो एमेजोन है, जैसे जोबोंग है, ग्रोफर्स है, उनके साथ काम किया। फिर मेरी जी फिर टाइम में इसी वक्त में ही मेरी एक्चुअली मैरिज हो गई थी, शादी हुई थी मेरे, तो जाहिर सी बात है मैं अपने बारे में सब कुछ अपने हस्बैंड को बताऊंगी, उनको मैंने ये बताया, मुझे नहीं लगता था कि वो भी मानेंगे या उनको कुछ सुनने को मिलेगा कि अरे तुम जाओ यार ये काम करो ऐसा कुछ करो, बट भगवान ने जो चाहा, मतलब क्या कह सकते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अरे तुम्हें बनना है, तुम्हें ये काम करना, मैंने कहा हाँ करना था, मुझे लगा कि मजाक ना उड़ा दे, हाँ करना था, अब नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बोले अरे इतनी अच्छी बात है, मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा, तुम अगर ऐसा करोगी तो अपने कदमों पे खड़ी होगी और वो काम करोगी जिसे जिसे तुम्हें खुशी मिलती है। मैंने कहा अच्छा, तब तक एक्चुअली ना सच बताऊं मेरा ना वो खत्म हो चुका था कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट उन्होंने काफी सपोर्ट किया कि नहीं पुश किया कि नहीं तू कर, तू जा, तुझे जो करना है तू कर, मैं पीछे हूँ तेरे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं मुंबई आई, लोगों से मिली, जैसे धीरे धीरे पता चला कहाँ ऑडिशन होते हैं, कहाँ पे शूट होता है, कैसे जाना होता है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में हैंड शेक करने में प्रॉब्लम होती थी वहां पे पता चला कि यहाँ पे गले मिलने का रिवाज है, तो वो थोड़ा अजीब काफी था एकदम अलग। डिफरेंट टाइप हाँ, जैसे गले का मीठे हेलो होती है, हैंडशेक या ऐसे हेलो नहीं होती, तो वो थोड़ा देख के थोड़ा सीखा रहे, हो ही जाता है, सीख दिमाग में आ ही जाता है कि हाँ चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज से भी मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी, वो हमेशा मेरे साथ है। तो ऐसे ही मैं रिवाज ऑडिशन दे जी, तो मैं ऑडिशन ये बहुत बढ़िया दिया, है, बहुत बढ़िया मैम। आपके हस्बैंड के लिए तालियां हैं कि आपको सपोर्ट जी करते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि मैम जो है वो बीएड की हुई हैं जी और इन्होंने एयर होस्टेस के लिए भी
कुछ दिन काम किए हैं एरोप्लेन में, तो मैम तो बहुत ही ओवर टैलेंटेड हैं, और सर्वाइकल पेन के कारण इनको वहां से जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन मैम ने हिम्मत नहीं हारी और आज मुंबई की एक अच्छी हीरोइन में, एक अदाकारा में इनकी गिनती है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैम जो है बिहार में अभी एक शूट में आई हुई थी, एक उस फिल्म का नाम है चौखट, और चौखट हमारे मित्र अमित चटर्जी जी की फिल्म है, जिनके राइटर एंड डायरेक्टर वही हैं और मैम आई हैं। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैम आज अमित चटर्जी जी के वजह से आज हमारे चैनल पे आई हैं। तो मैम आप यह बताएं कि अमित चटर्जी जी कैसे इंसान हैं, आप उनके साथ जब काम करती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या बताएं उनके बारे में, वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। जितनी जितने पेशेंस उनमें मैंने देखे, एज अ डायरेक्टर मैंने किसी में नहीं देखा। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो कभी प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं था कि सारा काम स्मूथली गया। बहुत प्रॉब्लम्स हुए सेट के दौरान, शूटिंग के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है, माइंड बनी रहती थी उनके चेहरे पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा करो वैसा करो ये होना चाहिए, मतलब चिल्लाना कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत शांत बिल्कुल रहते थे, बहुत पेशेंस दिखाते थे कि नहीं सब हो जाएगा, और शायद उनके एटीट्यूड के कारण ही वो काम होता भी था। तो कभी ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा डायरेक्शन है उनका, और एडिटर एडिटर भी वो खुद ही है। क्या तारीफ, मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बहुत अच्छे उतनी कम इंसान। है। तो जी बिल्कुल आपसे फर्स्ट बार मैम आपसे अमित चटर्जी साहब से मुलाकात कब और कैसे हुई? ये थोड़ा ना फनी इंसिडेंट है। मेरी फोन पे बात हुई थी कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसी मूवी बना रहे हैं। एक्चुअली ना मैं उससे पहले एक शूट पे, मेरे कांटेक्ट के जरिए मैं शूट से मिला, मतलब रेफर किया मुझे किसी ने, जी रत्नेश पांडे नाम है उनका, जिन्होंने इस मूवी में काम भी किया है, टीनिया नाम उनका का नाम है। उनके साथ मैंने जी प्रीवियस शूट किए थे, तो उन्होंने बोला कि एक ना ऐसा कुछ मूवी है, आप ना कुछ फोटोज भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने भेज दिए, दो तीन वीडियोस मांगी वो भेज दी। तो अमित सर का फोन आया कि ठीक है आप कंफर्म हो गई है, ऐसा वैसा मतलब जो भी बात होती है वो कंफर्म हुई, मुझे नंबर एक्सचेंज हुआ हमारा। तो मैंने व्हाट्सएप पे उनकी डीपी देखी, बड़े यंग से लग रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब दिखने में अलग थे। और जैसे ही मैं बिहार पहुंची, पटना पहुंची, फर्स्ट डे सर ने बुलाया, सर पूरी मूवी की कहानी मुझे बता रहे कि ऐसा सीन है, आपको ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, इस सीन में ऐसा करना है। और मेरे बैक स्टेज पे लोग दिमाग में चल रहा है कि अमित सर कब आएंगे, कहाँ रह गए अमित अच्छा सर। मैं सोच, हाँ तो अमित ये कौन है, मैं सोच शायद ये असिस्टेंट होंगे इनके। मैं चलो बोल रहे हैं, फिर मैंने दो तीन लोगों को और देखा, मैं नहीं ये शक्ल नहीं मिल रही, इनकी भी नहीं मिल रही। तो मैंने फिर ना उनको रोक दिया, मैंने कहा आप भी कोलकाता से हैं, अमित सर भी कोलकाता से हैं, वो कहाँ है। उन्होंने बोला मैं अमित ही हूँ। मैंने कहा सॉरी सर, आप थोड़ा सा बुड्ढे लग रहे हो, उसमें बड़े जवान थे, कहते हाँ तुम थोड़ा डीपी की जा रहे, ऐसा हुआ। तो मैं उनसे मिली, तो वो काफी, उन्होंने इस चीज को भी काफी ऐसे हल्के से हल्के में लिया, मतलब मजाक ही लिया मेरा, उनका कुछ इंसल्ट का इरादा नहीं था, उन्होंने अच्छे से लिया। यहाँ पे लावण्या जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली सर एक राइटर हैं, ठीक है, और जी सर डायरेक्टर भी हैं, और अभी जी आपने एक और उनके बारे में हमें जानकारी दी कि वो एक एडिटर भी हैं। तो एडिटर भी इतने बहुत अच्छे, सारे बोझ को अकेले उठा रहे हैं, तो उम्र का तो मतलब थोड़ा सा तो अरे उन पे प्रभाव पड़ेगा ही, एंड नहीं, दिल के जवान हैं लेकिन शरीर वो से तो वो बैठे थे, मतलब बन ठन के नहीं नहीं। बैठे थे, बन ठन के बैठे तो उनको माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ऐसे ही बैठे थे कैजुअली, तो थोड़ा अलग लगा। बस वही मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप थोड़े से डिफरेंट लग रहे थे। कहते अरे होता होता, मुझसे हर कोई मिलता है वो यही पूछता है कि अमित चटर्जी कौन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पहली नहीं हूँ। बोली कहते नहीं आप पहले नहीं हो, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने कहा फिर ठीक है। तो चलिए ये बहुत अच्छा है, सीन ये जी बहुत अच्छा लगा कि
कि अमित सर इतने साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, और वो बहुत सभी कलाकारों को मौका देते हैं, चांस देते हैं। उनकी अभी फिल्म जी आई थी, अभी फिल्म शूट हुई है बिहार में, चौखट, और मैम उस फिल्म की अदाकारा हैं। मैम मनोहर तेली भी उस फिल्म में कार्य कर रहे हैं, तो मनोहर तेली जी से आपकी परिचय है? अच्छे थे वो। मैं एक्चुअली उनको सुंदर पापा बोलती हूँ। इतनी कॉमेडी करते थे सेट पे, इतनी कॉमेडी, इतना हंसाते थे वो। हर बात में कुछ ना कुछ निकाल लेते ह्यूमर, इतने कॉमेडियन है वो। और एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है उनकी, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मुझे टिप्स भी देते थे कि इसमें हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे कुछ सी। मेरे सीन उन्हीं के साथ थे क्योंकि वो इज माई फादर इन जोखट। तो मुझे, हम लोग पहले ही बात कर लेते थे अपनी खोपचे में, टीम बना देते कि हाँ हम लोग ना ऐसा रिएक्शन देंगे, मतलब ऐसा देंगे। बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं पहली बार, मेरे को लगा कि अरे शायद बात नहीं करेंगे, शायद उस तरीके से नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने सीन्स दिए मेरे साथ। बहुत अच्छा था उनका, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है कहते हैं। जी, और वो हर चीज में तो बोलते हैं कि आपको मैं आपके सुंदर फिल्म में वो पापा बने हैं, आपके फादर जी बने हैं, जी तो बिल्कुल आपके मेरे फादर। पिताजी थे, आपके रियल के फादर और वो रील के फादर थे, तो उन दोनों में डिफरेंसेस क्या था? डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था कि वो पटना के थे और वो यूपी के हैं। लेकिन प्यार सेम था, लेकिन प्यार सेम था, है ना? बाकी दिखने में भी, मतलब ऐसे एज एज उनकी भी हो चुकी है। मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल है, ठीक है, और जी वो भी ऐसे ही उसी एज के दिखाए हैं, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मतलब बेटी को हर तरीके का उन्होंने फ्रीडम दिया हुआ था, मेरे फादर ने भी दिया हुआ था। बस ये नहीं था, ये चाहते थे कि एक्टिंग लाइन में नहीं जाए, बाकी हर चीज का फ्रीडम था मुझे। तो काफी सिमिलैरिटी थी, चलिए डिफरेंस कुछ नहीं था जी। चलिए, लावण्या जी आगे का सवाल आपसे करेंगे। रिकेश महानामा जी जो फिरोजाबाद से हमारे चैनल पे आए हुए हैं, रिकेश सर नमस्कार हमारे गेस्ट से सवाल करें। जी, नमस्कार नमस्कार लावण्या जी, नमस्कार। अच्छा लावण्या जी, आप बता रहे थे अभी कि हम 10 बरस के जब उम्र थे तो हम थोड़ा एक्टिंग करते थे, ये रास्ता क्यों चुने आप अभिनेत्री में? ये रास्ता। मैं मानती हूँ कि ये रास्ता मैंने नहीं चुना है, माता रानी ने मेरे लिए चुना है। सरस्वती माता चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, इसीलिए मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और ये बताना चाहूंगी कि मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, मैंने किसी भी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई हूँ, और मैंने कहीं से भी कुछ नहीं सीखा है। मुझे माता रानी ने सिखाकर भेजा था कि बेटा तुझे एक्टिंग करनी है, कला के क्षेत्र में जाना है तो जाओ। इनफैक्ट मैं कुछ कोशिश करती हूँ पेंटिंग करने की, मुझे पेंटिंग करने का शौक है, स्केचिंग भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ। जो भी क्रिएटिव चीजें होती हैं मुझे करने में बहुत मजा आता है। दो मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अगर बहुत ज्यादा लो होती हूँ, मतलब मुझे डिप्रेस थोड़ा कभी फील होता है, टेंशन में होती हूँ, तो मैं गुनगुनाती भी हूँ थोड़ा बहुत गाना। अब आप बोलेंगे कि गाते दिखाओ, तो फिर आप मुझे जज मत कीजिएगा। एक सुर और ताल की गारंटी क्या? मैं सिंगर गा नहीं हूँ, दीजिए, गा दीजिए लावण्या जी, प्लीज 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 सिंग अ सॉन्ग। सिंगर हाँ हमारे जी दर्शकों को पता चल गया है, अब तो आपको गाना ही पड़ेगा, चाहे आप सुर में गाएं या बेसुर में गाएं। नहीं गाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आप को चिल करने के लिए भी गाती रहती हूँ, तो आपके लिए भी गा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गा दीजिए गा दीजिए क्या गा आप दीजिए गा दीजिए। हाँ ठीक है, एक भजन है जो श्री कृष्ण भगवान जी का, जो मैंने अपने शूट के दौरान बहुत गुनगुनाया था, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान भी। तो उन्हीं का जी ही एक भजन मैं वही गुनगुना देती हूँ, 2-3 लाइन चल जाएगा ना गा? जी बिल्कुल। बिल्कुल अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान लाते नहीं, तुम मीरा की जैसे
च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बहुत बढ़िया। चलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी मैम ने जो गाना गुनगुनाई, जो भजन गुनगुनाई है, वो उषा झा मैम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे, तो आप लोग वेट करें, उषा मैम इस गाने को पूरा सुना देंगी आपको। और आगे का सवाल रिकेश महानामा सर करें, कंटिन्यू करें। रिकेश सर, लवानिया जी ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए आपका लक्ष्य क्या है? मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है अपनी लाइफ में, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का कॉल आए मुझे और वो खुद से कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू। बस वो मोमेंट चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, उसी के लिए काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो मुझे रोज बोलते हैं, फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड मुझे रोज बोलते हैं ये चीज कि आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन ये चीज कभी फादर से अभी तक सुनने को नहीं मिली है। तो मैं चाहूंगी कि मुझे मिले और वही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड होगा लाइफ टाइम का। जी जरूर मिलेगी लावण्या जी, आपके पापा एक दिन जरूर आपको फोन करके कहेंगे कि बेटी आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और हो सकता है वो खुद करके आपके पास आएंगे, आपके ससुराल, और आपसे मिलेंगे और बोलेंगे बेटी आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने जो भी स्टेप उठाया वो बिल्कुल सही था और मैं बेकार ही यूं ही तुम्हें मैं रोक रहा था। चलिए आगे का सवाल करें। सरस्वती आपके दुकान पे हूँ। अच्छा, अभी आपके बच्चे कितने हैं लवानिया जी? एक लड़की है। अच्छा, एक बेटी है, हाँ 5 साल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब आप एक्टिंग करते समय आपको कभी तनाव होता होगा या दबाव होता, तो उसको कैसे झेलते हैं, कैसे उसको संभाल पाते हैं? रिकेश सर, मैं सच बताऊं तो टच वुड, फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा दबाव और तनाव हुआ नहीं है अभी तक। मुझे अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा मैंने काम किया, जितना भी किया है मैंने अच्छे से किया है। दबाव सिर्फ एक चीज का रहता है हमेशा कि मुझे बेस्ट कैसे देना है, बस इसके अलावा कोई तनाव सिर पे लिया ही नहीं, कभी टेंशन ली ही नहीं। जैसा जो बात कर रहा है उसको उसी की तरह जवाब दिया, फालतू किसी से बात नहीं करनी और कोई टेंशन सर पे नहीं लेनी। अगर मैं लूंगी अगर इस तरीके से टेंशन, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने सीन्स को जस्टिफाई कर पाऊंगी, मैं वो कैरेक्टर निभा पाऊंगी, ऐसा होगा ही नहीं मुझसे। तो मैं अगर टेंशन लेती हूँ तो सिर्फ इसी चीज की लेती हूँ कि मुझे लाइन्स याद हैं, मेरा कैरेक्टर मैं जी रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कितना जी रही हूँ, बस उसी की टेंशन होती है। मुझे अपना 100% देना है कैसे भी करके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ परंपरा, जैसे यूपी हो, बिहार, जहाँ भी हो, कि परंपरा है कि महिला को बाहर नहीं निकलने देना है, और आपने निकले बाहर, तो वहां पे महिला सुरक्षित कितने हैं? कहाँ पे सर, यूपी की बात कर रहे हैं? फील्ड में सर, देखिए इस फील्ड की ही बात ना करें तो बेहतर होगा कि महिलाओं के लिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, चाहे वो कोई भी फील्ड ले लीजिए। मैंने आपको बताया मैं एविएशन फील्ड में काम कर चुकी हूँ और अब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। तो कॉमन चीज एक थी कि लड़कियों को देखा जाता था कि अरे यार यूज कर लेंगे, इस तरीके से देखा जाता है कई जगहों पे। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं हर इंडस्ट्री में, तो सिर्फ इसी की बात नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो आई थिंक आपके साथ अच्छा ही होगा, मेरा तो ये मानना है। कुछ लड़कियां हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियां हैं मजबूरी में या खुद से कि जल्दी पहचान मिल जाए, तो कुछ शॉर्टकट अपना लेती हैं, बाद में उनको थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। लेकिन ये भी हर लाइन में होता है, मैंने ये एविएशन इंडस्ट्री में भी देखा है। तो सुरक्षा की तो सुरक्षा अपने हाथों में है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये भी बता रहे थे कि चौखट फिल्म में काम किए हैं जी सर, इसके बाद चौखट जी, अच्छा इस चौखट के बाद भी कौन कौन सा पिक्चर में काम किए हैं के बाद अभी आने वाला बोल रहे हैं
तो आई एम नॉट श्योर अभी एक्चुअली, अभी एक शूट होना था मार्च में, सेकेंड से, मतलब आज से था शूट, वो पोस्टपोन हो गया होली के बाद. मुझे बोला गया एक्चुअली टीम ने कि कुछ नेटर हट जगह है झारखंड में, वहां शूट होना है, तो वहां बहुत ठंड है, वो फोग के कारण नहीं हो पाएगा. तो वो शूट मेरा झारखंड में होना है अभी, और एक दो भी पंजाब में, मतलब पंजाब में भी एक खत्म किया है, एक अप्रैल में फिर होगा. अभी बता नहीं सकती कब क्या डेट रहेगी क्या नहीं रहेगी. तो या एक मूवी है जो हिंदी मूवी है, झारखंड में ही होगी, जिसका शूट झारखंड रांची में ही होगा, नेटर हाट जगह पे है, एक बायोपिक होगी. नेटरहाट है जी मैम, नेटरहाट है झारखंड में और काफी फेमस है, यहाँ जी बच्चे पढ़ने जाते हैं। नेटरहाट में अच्छा सैनिक स्कूल है और यहाँ बच्चे हाँ पढ़ने जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है नेटरहाट, जी झारखंड का एक अंग है और हम लोग भी जी झारखंड के ही वासी हैं, धनबाद जी जी हमारा जगह है। जी रिकेश माना सर, और कोई सवाल है? ना, एक चीज और पूछना चाहते हैं लवानिया जी से कि ये पटना गए तो पटना को कैसा लगा? पटना मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्यारा. पहले मैंने एक्चुअली पटना से पहले भी एक जगह बिहार में, बेगूसराय नामक जगह पे काम हाँ किया था. बेगूसराय, हाँ जी, उससे पहले मैं कभी बिहार का, मतलब मैं कहीं नहीं थी. और जब मुझे पता चला कि मेरा बिहार में शूट होना है, तो मैं डर सी गई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे कि बिहार, बिहार में तो चक्कू छुरे सब चल जाते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मतलब क्या गैंग होती है, गुंडागर्दी होती है, क्या होगा बिहार में. तो बहुत डर था, मैं जानती भी नहीं थी यहाँ पे लोगों को, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मैं उनको भी नहीं जानती थी, टीम न्यू थी सारी, तो मुझे थोड़ा डर था. फिर मैंने सबको बोला कि मैंने लोकेशन भेज दी है, सबको देख लो, मैं अगर नहीं दिखी नहीं मिली तो तुम लोग इधर आ जाना. मेरे को बहुत डर था बिहार से, लेकिन जब मैं बिहार आई तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे इतने प्यारे दोस्त बिहार में मिले, इतनी जगह घूमी मैं. लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छे दोस्त मिले हैं अब तक के. 2-3 साल हो गए हैं अब तक जो टच में रहे हैं वो बिहार के ही लोग रहे हैं, इतना प्यार देते हैं बिहार वाले आपको, मतलब दिल से अपना लेते हैं. तो वो बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे मैम ने अभी मुझे मेरा अरे वेलकम किया बहुत तो इसके लिए बहुत थैंक खुशी यू, मैंने हुई कहा कि आपने मेरे नहीं बिहार को इतना अच्छा डिफाइन किया है, बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा एक्चुअली है कुछ सर, लोग हैं जो बिहार को बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार और बिल्कुल झारखंड एक ऐसा राज्य है यहाँ पे बिल्कुल लोग दिल से लोगों को स्वागत करते हैं, सर, मुझे ऐसा इसे भी प्यार बदनाम मिला. की। हाँ, लोगों के मन में ना, जैसे मेरे मन में था, क्योंकि मैं आई नहीं थी, जानती नहीं थी, जो देखा पढ़ा सुना वही मान लिया, तो वही चीज थी, आज भी लोगों के मन में है. लेकिन जो मेरे कांटेक्ट में उसके बाद जितने भी लोग आए, मैंने सबको बोला तुम कहीं मत जाओ, एक बार बिहार जरूर जाना, सॉरी बिहार जरूर जाना, तुमको पता चलेगा कितना अच्छा है. तो शिव सर, जी आपको पता होगा कि पिंकी सिंह जी भी इस मूवी की एक पार्ट है बहुत बड़ा, मेरी मदर का रोल उन्होंने निभाया है. तो मुझे पिंकी सिंह उन्होंने हमारे हमारे चैनल की एक गेस्ट रह चुकी हैं। पिंकी सिंह वो शकील खान साहब जी के माध्यम से हमारे चैनल पे आई, और मुझे अच्छा खुशी है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं अजीत लाल साहब, अच्छा जो जी, बिहार से बिलोंग करते हैं। अजीत लाल पहचानते हैं आप? मैंने नाम सुना है, मैं पहचानती नहीं हूँ, नाम सुना है मैंने उनका. बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं और पटना में इनका अपना एक स्टूडियो है अच्छा और बहुत लोगों को इन्होंने ब्रेक दिया है और दिलवाया है। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है. अच्छा, आप तो बिहार जब मुझे आई फिल्म के शूट के दौरान, तो आपको जी, यहाँ पे सबसे पसंदीदा खाना कौन सा लगा? मुझे तो देखिए बिहार का एक ही फेमस खाना है, लिट्टी और चोखा. मुझे तो वो बहुत 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 टेस्टी लिट्टी लगता है. जी, जी राजस्थान में उसी का ही एक, मतलब ऐसा ही है, क्या बोलते हैं इसे, दाल बाटी, दाल थोड़ा सा बाटी डिफरेंट. जी, दाल बाटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाटी, लेकिन हाँ वैसी ही है, पर दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है. तो बिहार का लिट्टी चोखा यही इस पर
राजस्थान और यूपी का दाल बाटी कहते हैं। कद्दू के आटे की बनती है आई बिलीव, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मैंने जैसे भी आपको बताया पिंकी जी के बारे में जिन्होंने मधुर का रोल किया है, फॉर्चुनेटली मुझे कुछ समय मिल गया था उनके घर जाने का, तो उन्होंने मुझे जो खिला खिला के बाबा क्या नहीं खिलाया, उनके हस्बैंड ने, उनकी बेटी, उनके बेटे ने बहुत ख्याल रखा। मैंने बोला ना पटना के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता था मैं डर रही थी एक्चुअली कि सेट पे तो एक अभी बात होती है कि वो मेरे साथ काम कर रही है तो क्या पता अच्छे से बात बात कर रही हूँ, घर जा घर में चली गई, बुला तो रही है, अगर मैं चली गई तो कुछ ऐसा हुआ लगा बुरा तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनको मम्मी बोलती हूँ, कैरेक्टर मतलब रोल जो था वो मेरा मम्मी का ही था, तो मैं रियल लाइफ में भी उनको मम्मी ही बोलती हूँ आज तक। वो इसीलिए बोलती हूँ उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, मैं बयान नहीं कर सकती बिल्कुल भी। इसीलिए मुझे बिहार, अगर आप उन्हें माँ बोली है तो माँ से सब, माँ से ज्यादा सुरक्षित जगह और दुनिया में कुछ भी कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। बहुत अच्छा लगा पिंकी सिंह जी, पिंकी सिंह जी के लिए एक बार तालियां आप भी बजाएं। जी मैम, उषा मैम आपके मन में कोई सवाल है तो हमारी मैम से पूछें। उषा मैम जी, लावण्य जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने कभी परफॉर्मेंस अपने जमाने में विद्यार्थी जीवन में आपने किया है क्या? हाँ बिल्कुल किया है मैम, मैं डांसिंग कंपटीशन में, मेरे को कोई भी कंपटीशन मिलता था आर्ट से रिलेटेड मैं पहुंच जाती थी, चाहे वो रंगोली ही क्यों ना हो। मुझे ये नहीं था कि मुझे फर्स्ट सेकंड आना है, बस मुझे ये था कि मुझे करना है, कुछ भी करवा लो, डांस चाहे स्टेज पे खड़ा करवा लो, बस मुझे आना है, बस कुछ भी करना है, चाहे सिंगिंग करवा लो, चाहे डांसिंग करवा लो, पेंटिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, बस मुझे आना है। तो हर चीज में कोशिश रहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूं। जी, आपके इस जॉब में आने के लिए आपने जॉब छोड़ा, आपको सर्वाइकल इंजरी हुआ था मेरे ख्याल से, इंजरी आपने कहा क्या चोट लगी थी जी, तो जी, आपने छोड़ दिया जॉब को, और जब आप इसमें आई हैं तो आपने बहुत ही नाम किया है, और मेरे ख्याल से क्या आपकी उस वक्त आपकी शादी हो चुकी थी क्या? जी जी, अगर आप इस लाइन की बात कर रही हैं तो मेरे रीजन ही आने का मेरा हस्बैंड है, मैरिज के बाद ही मैं आई हूँ, मैरिज से पहले नहीं आई थी क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं थी फादर से कि नहीं आपको नहीं जाना है, उनको थोड़ा लगता था कि सेफ नहीं है ये जगह, मतलब ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए, और कुछ हमारे महान रिश्तेदार थे, हैं इनफैक्ट, जो कहते थे कि अरे नहीं आप गलत कर रहे हो, आप सपोर्ट मत करो। पापा ने एक्चुअली सोचा था कि चलो ठीक है लड़की इतना कह रही है तो एक बार चांस दे लेते हैं, बट फिर महान रिश्तेदार आए मेरी जिंदगी में खुशियों को चांस कर दिया, बस फिर पापा बोले नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है आपको छोड़ कर दो, मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके फिल्में इंडस्ट्री में आने के लिए किन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने या हस्बैंड ने? देखिए मम्मी पापा में से मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी कि ठीक है जो लड़की बोल रही है एक बार कर लीजिए, लेकिन फादर की तरफ से नहीं था, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, नॉट बिकॉज ऑफ हिम, मेरे फादर के कारण नहीं, मेरे फादर के रिलेटिव के कारण, वो कहते थे नहीं नहीं वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे हमारी लड़की ये कर रही है वो कर रही है। तो सपोर्ट जो मुझे मिला सबसे ज्यादा, मेरा सपोर्ट सिस्टम बने मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे पुश किया, धक्के मार मार के जा तू जा क्यों बैठी है पागल है, मैं कहने में से नहीं होगा मैं नहीं कर सकती, मेरे दिमाग से निकल गया था एक्टिंग का, उन्होंने तब बोला कि नहीं तू कर सकती मुझे पता है तू जा तू कर, तो बस तो मैं आज यहाँ हूँ आप सबके सामने, आप जैसे महान इंसानों से मैं बात कर रही हूँ उन्हीं के कारण। जी जी लावण्य जी, आपके आपका यदि शूटिंग एक महीने के लिए बिहार में दे दिया जाए, अब बहुत ज्यादा डर रही थी चक्कू छुरी तो अब तो डर गल गया होगा मेरे ख्याल से सबसे मिलकर के बिहार के लोगों से, तो आपको यदि एक महीने का दे दिया जाए शूट बिहार में तो क्या आप एक महीना अच्छे से रह लोगी?
आप मैम एक महीने के बाद मैं 2 महीने रह लूंगी, 1 महीना लगभग तो मैं इस शूट के लिए रही हूँ पटना में, और 1.5 महीना मैं इससे पहले बेगूसराय में रही थी। तो अब टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं। उषा मैम, उषा मैम, उषा मैम, अब लवण्या जी बिहार में जमीन खरीदने के लिए सोच रही है, लैंड परचेज के लिए। बिल्कुल मैम, बिहार के लोग है ना वो एक नारियल की तरह है, बाहर से खूब कड़े दिखेंगे, डर हो जाएगा, अंदर से बहुत सॉफ्ट अंदर से। बिल्कुल सही काम किया मैम, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि ऐसा है वैसा है, बट जब जाना पहचाना रही, उठे बैठे खाए पिए साथ में, तो पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, सबसे प्यारे और भोले इंसान बिहार में ही आपको मिलेंगे। मुझे बहुत मजा आया, और मैं यहाँ पर 1 क्या 2 क्या 3 महीना रह लूंगी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। एक कॉल करूंगी, कुछ भी टेंशन हुई कॉल करूंगी, कोई भी आ जाएगा, सब भी आ जाएंगे, तो इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बिहार में कोई कोई सी जगह ऐसी जिससे लगेगा कि यहाँ के लोग राजकुमार हैं, भय जरूर लगेगा, लेकिन लड़कियों को, लड़कियों के ऊपर बहुत ही उन लोग इज्जत देते हैं, बच्चियों को, लड़कियों को बहुत ही इज्जत देते हैं बिहार के लोग, और उनका मानना बहुत ही है कि जो बेटी है वो हमारी बिहार की जो जनकपुर है सीतामढ़ी में, वहाँ की सीता है, हमारी सारी बेटियां सीता की तरह है, इसलिए बेटियों को बहुत प्यार और मान सम्मान देते हैं बिहार के लोग, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन तो भी मैं हमेशा फील हुआ जी जी, मुझे बिल्कुल फील हुआ, कोई भी जैसे मिलता था, अगर मैं किसी से बड़ी हूँ तो वो दीदी कहता था, अगर मैं किसी से छोटी, मतलब अगर वो मुझसे छोटे हैं, या तो मैम बोलेंगे या दीदी बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा कुछ गंदगी मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैं इसी बात को बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इसी बात से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने सारे प्रश्नों का उत्तर भली भांति दिया है बहुत अच्छी तरह से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स शिविका जी। आगे का क्वेश्चन बढ़ा, कुछ कमेंट्स हमारे दर्शकों के आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा रिकेश महानामा सर से कि हमारे दर्शकों के कमेंट पढ़ा जाए, प्लीज सर, रिकेश सर। ओपी इंटरटेनमेंट धन्यवाद करे लवानिया मैडम, आपने चौखट से पहले कितनी फिल्में काम की है? ओपी जी, मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरी हिंदी पहली फिल्म है जिसमें मैंने काम किया, इससे पहले मैंने वेब सीरीज में काम किया है, डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया है, शॉर्ट फिल्म में काम किया है, और क्राइम सीरीज में काम किया है, मूवी पहली है ये मेरी, और बतौर लीड एक्टर पहली है। ये श्री कृष्णा जी कहते हैं, मैं ने कौन से सीरियल या मूवी में काम किया है? श्री कृष्णा जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी सीरियल में काम नहीं किया है, क्राइम सीरीज में काम किया है, जो कि पंजाबी चैनल MH1 पे आती है, और मूवी ये पहली ही है मेरी, तो इससे पहले मूवी में काम नहीं किया मैंने, वेब सीरीज वगैरह में काम किया है। राकेश कुमार जी कहते हैं गुड, थैंक यू राकेश जी। एसी इंटरटेनमेंट कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग गाया लवानिया मैडम आपने, थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल। श्री कृष्ण जी कहते हैं जय श्री कृष्ण, ब्यूटीफुल सॉन्ग, कृष्ण नाम भी है और आपने कृष्ण जी का गाना भजन गाया, देखा यहाँ जाते कृष्ण जी पहुंच जाते हैं, श्री कृष्ण जी पहुंचते ही पहुंचते हैं, हाँ, फिर आपको श्री कृष्ण जी कह रहे हैं गुड सॉन्ग। शुक्रिया श्री कृष्ण जी, शुक्रिया। फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं सो स्वीट मैडम, जब स्वीट है आप भी बहुत स्वीट है सर, जो इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू। एसजी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आपने किस फिल्म का काम किया, आपने तो बता दी जी। एसजी इंटरटेनमेंट कहते हैं सभी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते, आपको भी सर नमस्ते। ओपी जी इंटरटेनमेंट धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्ते लवानिया भारद्वाज मैडम, नमस्ते सर। हरविंदर सिंह कह रहे हैं सारी टीम को हैरी का नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार।
अमित चटर्जी कहते हैं लावानिया जी वेरी गुड एक्ट्रेस। इनकी तारीफ मैंने की है ना, इसलिए मेरी तारीफ कर रहे हैं। हम लोगों ने पैसे एंटरटेनमेंट। मैडम आप कितने लैंग्वेज जानती हैं? तो मैं तीन लैंग्वेज जानती हूँ, हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी। पंजाबी जी। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि मैम आपने कौन सा, अच्छा ये तो बात हो गई, पढ़ लिए। कृष्ण जी चलिए, बहुत अच्छा लगा कि हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं। इस शो को प्लीज आप लोग शेयर भी करते जाएं, क्योंकि जो नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में भी देख सकते हैं। तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। और हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उषा झा मैम का एक भजन सुनेंगे जो अभी हमारी लावण्या मैम गुनगुना रही थी। तो उषा मैम भी तैयारी कर लेंगी। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों नमस्कार, SPJ SG एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के व्यवसाय को एक उच्चतम ऊंचाई देने के लिए एड की बहार, विज्ञापन की बहार, जिससे आप अपने व्यवसाय को दे सकते हैं उच्चतम ऊंचाइयां और साथ में कमा सकते हैं दुगना मुनाफा। दोस्तों पता है आपको, टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं वे किसी भी व्यवसाय को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। आप भी एक एड के माध्यम से, एक विज्ञापन के माध्यम से जुड़कर अपने व्यवसाय को उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पे आप डायल कीजिए और अपने व्यवसाय की पूरी जानकारी दीजिए। हम बनाकर देंगे आपको एक व्यवसाय का विज्ञापन। उस विज्ञापन के माध्यम से आप प्रचार करिए इस चैनल पर, SPJ SG एंटरटेनमेंट चैनल। धन्यवाद। वेलकम बैक माई फ्रेंड्स एंड माई गेस्ट। तो अभी उषा मैम आप लोगों को भजन सुनाएंगी जो हमारी लावण्या मैम सुना रही थी। तो उषा मैम प्लीज सुनाया जाए उस भजन को। जी सर, ओके। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं मीरा की तरह, हम बुलाते नहीं मीरा की तरह बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मायशोदा के जैसे सुलाते नहीं, मायशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत सुंदर गाते हो मैम आप जी, बहुत बहुत अच्छा गाया मैम आपने, बहुत गाया। थैंक यू। आपको कैसा लगा रिकेश सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु का भजन तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया गाया। ओके चलिए, मैं अब लावण्या मैम आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो आपके पर्सनल लाइफ से भी होगा और आपके रियल लाइफ से भी होगा। तो मैम यह बताएं कि आपको हिंदी सिनेमा जगत में सबसे प्यारे अभिनेता कौन लगते हैं? सबसे प्यारे अभिनेता, देखिए जब मैं बहुत छोटी थी ना तब केबल वगैरह थी नहीं, तो दूरदर्शन आता था, उसपे आती थी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी गुरुदत्त साहब की। तो पहले वो इंसान है जिनको देखकर मुझे लगा कि कीड़ा, जो आप पूछ रहे थे ना 10 साल की उम्र में कैसे लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए, वही लाइन क्यों चुनी, तो शायद वो रीजन है मेरे बहुत बड़े। प्यासा मूवी थी उनकी एक गुरुदत्त साहब की, तो वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, इतना अच्छा मतलब कोई कैसे कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, मैं उन्हीं का नाम लूंगी। चलिए, गुरुदत्त साहब आपके बहुत प्यारे अभिनेता हैं आपके लिए, और अभिनेत्री में आप किनका नाम लेना चाहेंगे? मैं वो भी पुरानी एक्ट्रेस हैं, मीना कुमारी, मधुबाला, और उसके बाद दिव्या भारती जो अभी हमारे साथ नहीं है, ये तीनों मेरी फेवरेट हैं, बहुत अच्छी। जी, आप किस अदाकारा के तरह बनना चाहती हैं? मैं एक्चुअली किसी के जैसा नहीं बनना चाहती, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, तो मैं लावण्या भारद्वाज बनना चाहती हूँ। मतलब नई जो जितने भी एक्ट्रेसेस हमारे चैनल पे आ रही हैं, तो वो चाहे कि मैं लावण्या की तरह एक्टिंग कर लूं तो मेरा भी नाम बन जाए। तो मैं चलिए, ईश्वर आपके लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म जरूर बनाए और आप ऊंचाइयों तक पहुंचे। आप यह बताएं मैम कि अगर आपको अमिताभ बच्चन साहब अपनी फिल्म में बुलाएं कि आप मेरे साथ एक फिल्म करो, बट वहां आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, आप अपने खर्च पे आओगे, तो आप क्या वहां जाएंगे? बिल्कुल भाग के जाऊंगी, आपके मुंह में घी शक कर अगर ये बात सच हो जाती है तो वो मेरा इंस्टीट्यूट होगी अपने आप में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मुझे पेमेंट नहीं मिल रही लेकिन मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे में बहुत बड़ी बात होगी वो, पेमेंट ना भी मिले। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ आप फिल्म करें और आपको पेमेंट भी मिले, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको पेमेंट मिले, यही मैं चाहूंगा।
अच्छा, आपने एविएशन का जो कोर्स किया है तो ये जी शादी के पहले किया है कि शादी के बाद किए एविएशन बहुत का कोर्स? पहले, बहुत पहले 12th में थी मैं। जैसे मैंने 12th एग्जाम दिए, मैं चली गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, बस 12th के बाद ही। तो वो था कि उस टाइम 7-8 की बात है, ये 2007-8 की थी। उस टाइम ये होता था कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा ये ऑप्शन ना बहुत ज्यादा सुनाई देता था कि यार लड़कियां ऐसा ये बन रही है, ये बन रही है। मतलब उसमें भी कुछ माँ बाप थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां इस लाइन में भी जाए, लेकिन मेरे फादर अग्री करे, उन्होंने मुझे खुद वहां पे भेजा और पूरा सपोर्ट किया। तो या ये 12th के बाद की बात है, जस्ट बाद, एग्जाम्स देने के जस्ट बाद। चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? कितने उम्र की थी आप? ये नहीं पूछते सर, गंदी बात। मैं अभी 18 साल की उम्र, मैं बताएं समझती हूँ। कि आपके आपके जो मिस्टर हैं, आपके जो जी रियल के हीरो, रियल हीरो, उनका क्या जी नाम है? उनका नाम, एक्चुअली उन्होंने बोला है कि मैंने नाम नहीं लेना, उन्होंने खुद नाम बोला है नहीं? कि हाँ क्या है कि बिल्कुल भी मेरा नाम नहीं लेना तुम, ठीक है, बस तुमने जो तारीख में पुल बांध रही, नाम नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी नाम नहीं ले सकती हर दिन। गुमनाम है कोई? चलिए, ऐसा खुश हाल बहुत, है कोई। चलिए तो ऐसा, ऐसी ऐसी क्या वजह है मैम? बहुत क्यों, हर कोई चाहते हैं कि उनके पता लाइफ नहीं, पार्टनर अभी उनका नाम दे कहीं भी जाए, तो मैं पूछा था मतलब पति हूँ, वो मेरी मैंने पत्नी। जी, मैंने एक्चुअली उनसे पूछा था कि क्या मतलब क्या वो मैं बोल दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोले कि थोड़े टाइम रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, गूगल पे आऊंगा मैं, तब सब देख लेंगे, तब सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं भी। आपके आपके अच्छा अच्छा मैम, मैम एक मिनट आपके मिस्टर क्या करते हैं, उनके बारे में सर, बताइए। एक मिनट सर, एक नाम आ रहा है, भारत भारद्वाज, ये कौन है? भरत भारद्वाज। वो मेरे भाई है एक्चुअली, उनके फोन पे उनकी मैं नंबर सोची दिया चुपके चुपके आपके पतिदेव अपना नाम दिखा रहे हैं। है। नहीं, भरद्वाज पर जी, आप अपने जीजा जी का नाम हमारे लड़कों को बताएं, आपके आपकी दीदी जो नहीं बता पा रही है, आप कमेंट करके बताएं जी कि आपके जीजा जी कौन जी है। आपके लिए वो बंदिश जी नहीं है, आपकी दीदी के लिए वो बंदिश। राइट अच्छा, ये बताएं कि आप फिल्म में काम कर रही हैं, आपके हस्बैंड बहुत आपके सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लाइफ पार्टनर है, बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी है, लेकिन आपकी आपके ससुराल वालों का इस पे क्या रहा रिएक्शन कि मेरी बहू सिनेमा कर रही है, ये करना चाहिए कि नहीं, तुम घर की बहू हो, तुम क्या कर रही हो, इस तरह का कुछ आया नहीं, कि वो भी कहे चलो बेटा तुम जो तुम्हारा पति कर रहा वही तुम करो? बिल्कुल सर, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट मेरे हस्बैंड से मिला है, वही सपोर्ट मुझे मेरे इन-लॉज से भी मिला है। तो ऐसा कुछ, अगर उनकी तरफ से भी कुछ होता तो मैं शायद नहीं करती, पर उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, जो करना है करो, जिससे खुशी मिलती है जी वो, तो तभी जी मैं शायद कर पा रही हूँ। जी अच्छा, आप बिल्कुल, अपने मम्मी पापा का नाम, अपने भाई बहनों का नाम और अपने सास ससुर जी का नाम हमारे दर्शकों को बताएं। पहले पापा मम्मी से स्टार्ट करें। मेरे पिता का नाम है श्रीमान रामानंद भारद्वाज, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। और मेरी मम्मा है जी श्रीमती श्री कृष्णा कृष्णा भारद्वाज। और जी मेरे भाई, जैसे कि आप जानते हैं, भारत, एक्चुअली उनका नाम भारत भूषण भारद्वाज है। मेरी जो बहन जी है उनका नाम है लीना भारद्वाज। हेलो, लीना, आपको आवाज आ रही है? आपके ससुर जी, आपकी सासू माता। मेरी सासू माँ का नाम है श्री अनीता, और मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे जो दूसरे पिता हैं, उनका नाम है राकेश जी, जी, श्री और राकेश। आपके आपकी जो बिटिया रानी,
मेरी बिटिया का नाम घर पे ही उसे मैं प्यार से ईशु बोलती हूँ, वैसे उसका नाम इमाया जी। जी। तो और आपके परम पिता का क्या नाम है? परमपिता दादाजी का नाम पूछ रहे हैं। परमेश्वर। परमेश्वर। मेरे परम पिता का नाम एक ही हो सकता है, सर शिव भगवान। जैसे आप शिव प्रकाश जी है, वो शिव जी है, महादेव वो है मेरे परम पिता। उनकी अच्छी है, आपने पूछा परम पिता, बहुत उनका नाम आया कि मैंने कहा अरे शिव जी पापा का नाम लू क्या, मैं उनको शिव जी पापा बोलती हूँ। तो बढ़िया, हाँ अच्छा अच्छा मतलब जी, वो मेरे आप सभी को मतलब रिलेशन भगवान से भी आपने रिलेशन बना के रखी है कि मेरे दुर्गा मैया ने हमको बनाया और मुझ में वो क्वालिटी दे दी है ना, जी और बिल्कुल। शिव कनी जी पापा, शिव जी पापा दुर्गा मम्मी, इस तरह से भैया, आप कनी जी, हमने रिलेशन कनी बनाया भैया मेरे। जी। तो मेरा एक सॉन्ग है मैम, मैंने उसमें लिखा है, मैं खुद एक राइटर हूँ और सॉन्ग लिखता हूँ, तो मैंने लिखा हाँ है जी ये गणपति भैया कार्तिक मुझको प्यारे हैं, मुझको बाबा भूल न जाना, हम भी तो तुम्हारे हैं। तो यस, मैं लिरिक्स भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा लिरिक्स था लेकिन मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं हाँ सर, याद है, आ गया, जल्दी याद याद आ गया, लिंक याद आ मुझे गया। सेंड कीजिएगा। गौरी सुनिए, गौरी जी मैया गणपति भैया कार्तिक तुझको प्यारे हैं, हमको बाबा भूल न जाना, हम भी तो तुम्हारे हैं। बाबा बाबा भोलेनाथ मेरे सर पे रखना, ओ मन की व्यथा कौन सुनेगा, सुन ले मेरी जगन्नाथ। बाबा बाबा ओ भोलेनाथ, गौरी मैया गणपति भैया कार्तिक तुझको प्यारे हैं, हमको बाबा भूल न जाना, हम भी तो तुम्हारे हैं। बाबा बाबा ओ भोलेनाथ मेरे सर पे रखना हाथ। इस तरह से मेरा लिरिक्स था, मैं लास्ट अंतरा जो है मैं आपको सुना पाया हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि बहुत गाना लिख चुका हूँ। बहुत, मैं जी इमोशनल हो जाती हूँ जब उनका नाम आता है, भगवान शिव जी का, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत अच्छा जी लगा था, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम। और आप यह बताएं लवानी कि हाँ रिकेश सर, कोई और सवाल है आपके मन में? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि लवानिया जी का इष्ट देव है बाबा भोलेनाथ और अधिष्ठात्री देवी माता रानी है। ये बोल रहे थे जी कि माता जी रानी की कृपा से ही मैं आगे बढ़ा। जी और सर आपके भी तो महाकाल हैं, बाबा बैजनाथ। हमारे भी इष्ट देव हैं बाबा बैद्यनाथ भोलेनाथ। अच्छा, जरूर जी सर, अच्छी बात है, आशीर्वाद। जी लावण्या जी, आप यह बता, लावण्या जी यह बताएं कि जी सर, आपको किस तरह के व्यंजन पसंद है? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर, तो वेज में आप वेजिटेरियन कुछ? है हाँ जी, कुछ तो भी, वेज में आप क्या क्या बना लेती हैं? सब कुछ सर, कुछ भी, मतलब अगर नहीं भी बनाना जी आता है तो यूट्यूब है, गूगल है, उस पर रेसिपीज देखी है, बना ली, और ऊपर वाले की कृपा से, माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खाना अच्छा बन जाता है, टेस्टी होता है खाना। चलिए जी मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से खाना भी बढ़िया बन जाता है। बहुत खुशी की बात है जी कि आप हर देवी देवता को अपने रिलेटिव बना चुकी हैं, बहुत खुशी खुशी हो रही है मुझे। ये पहला आप ऐसा शख्स मिले हैं मुझे कि काफी अनोखा आपका अंदाज है। भगवान भी अगर देख रहे होंगे, अगर भगवान तक ये मैसेज जा रहा होगा तो वो काफी खुश हो रही हो जरूर, रहे होंगे, और ज्यादा माता है रानी भी सर, खुश रही हो रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यह बताएं कि अगर अमित चटर्जी साहब आपको बंगला मूवी के लिए ऑफर करें तो आप क्या बंगला मूवी करने जाएंगी? अरे सर, अमित सर कहीं पे बुलाएंगे ना, हम पहुंच जाएंगे। अब बंगला मूवी है पहुंच तो थोड़ा जाएंगे। लगेगा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि उस लैंग्वेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट हाँ मैं जरूर जाऊंगी भाग के।
क्योंकि वहां पे भी ना वो अगर शायद अगर बांग्ला कर रही होंगे तो मे बी वो कोलकाता बुलाए, मेरी बहुत इच्छा है सालों से मुझे कोलकाता जाना है। वहां पे माता फिर भी माता दक्षिणेश्वर माता है नाम है उनका मंदिर का, काली माँ का, माँ दर्शन करने हैं बहुत सालों से। माता रानी ने अभी तक बुलाया नहीं है मुझे, लेकिन देखते हैं क्या पता अमित सर मुझे बुला लें और इसी बहाने में चली जाए। अच्छा, चौखट से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि आपकी पहली हिंदी फिल्म है जी और सर, आप कितना उम्मीद लगा के रखी हैं कि अगर ये फिल्म हिट हो जाए तो क्या होगा? तो उम्मीदों की बात की जाए तो सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी यूनिट पूरी टीम को उम्मीद है। तो हमने क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है लेकिन उसमें जो मैसेज है वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये फिल्म आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इसको प्यार मिले। उम्मीदें तो बहुत है जी, सर, तो इस फिल्म के रिलीज होने की संभावना कब तक है मैम? चौखट फिल्म है जो कब तक लोगों के बीच में अवेलेबल हो जाएगा? आपको अमित सर ही दे पाएंगे क्योंकि तब उन्हीं के हाथ में है, अभी एडिटिंग उन्हीं के हाथ में है, बहुत प्रोडक्शन अभी बाकी है, अभी तो जस्ट शूट खत्म हुआ है इसी महीने, तो पिछले महीने से अब में, तो जी वो बेहतर बता पाएंगे, मे बी 2 से 3 महीने तरफ आइडिया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे चैनल पे आई हैं। मैम, आप यह बताएं कि आपका जो ड्रीम है, आपका अभी तक जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो कौन सा ऐसा ड्रीम है जो अभी तक आप इस उम्र में हैं और आपका वो ड्रीम अभी भी नहीं पूरा हुआ है? मतलब वही है कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं सक्सेसफुल हूँ। अभी लोग मुझे नहीं जानते हैं, अभी तक मुझे पापा का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है। अभी चीजें अभी होनी बाकी है जो मैं चाहती हूँ कि हो, यही एक ड्रीम है कि मैं चाहती हूँ कि बस मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड हो, उनका मतलब सीना चौड़ा हो कि हाँ शी इज माई डॉटर, दैट्स इट। सी ये माय ड्रीम है डॉटर, बिल्कुल नहीं ड्रीम है। जी मैं चाहूंगा कि ये ड्रीम आपका जल्दी ही पूरा हो जाए और आपके पापा जी आपके आपको हग करके बोले, बेटा यू आर माई प्राउड। जी, थैंक और मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि जी सर। आप जो है अपनी जो बिटिया रानी है, तो क्या आपने अपनी बिटिया रानी को पोस पाल करके उसे एक एक्ट्रेस बनाना चाहेंगी या फिर कोई और क्षेत्र में भेजना चाहेंगी? सर मैं अभी एक्चुअली उसमें कुछ ठोकना नहीं चाहूंगी, मैं अपनी पसंद नापसंद उसको नहीं बताऊंगी, मैं उसकी पसंद जानना ज्यादा बेहतर समझूंगी। क्योंकि अभी अगर उससे पूछती हूँ बेटा आपको क्या बनना है, एक्टर, मॉडल, सिंगर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, उसे सब बनना है, तो वो ठीक है अगर वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है तो मैं डेफिनेटली उसका साथ दूंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी बिल्कुल तरह। तो मैं तो चाहूंगी अगर वो आती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सपोर्ट तो रहेगा हमेशा उसे, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ उसे बनाना वो नॉट येट डिसाइडेड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि वो चाहे, जो वो चाहेगी मैं उसे सपोर्ट दूंगी पूरा। चलिए, बहुत खुशी हो रही है कि आपकी बिटिया रानी जो चाहेगी आप वही उसे बनाना चाहेंगे। मैं आपको एक ऐसे स्टार से भी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो फिल्मों में काफी अच्छा अभिनय करते हैं, जिनका नाम है श्याम गुप्ता जी, जो फरीदाबाद से हमसे जुड़ चुके हैं। तो थोड़ा लेट जुड़े हैं, कहीं काम में बिजी थे। तो नमस्कार श्याम गुप्ता सर, कैसे हैं? जी नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले सॉरी लेट हेलो ज्वाइन करने के लिए। लावण्य जी को नमस्कार, रितेश जी सर, को नमस्कार, उषा जी को और गुप्ता जी को, और सबसे माफी का पात्र हूं मैं लेट ज्वाइन करने के लिए। कोई बात नहीं, पहले कोई बात नहीं सर, बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता है और हम लोगों के पास टाइम है, हम लोग छोटे हैं, हम लोग टाइम है। कोई प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली गुप्ता जी के बारे में और परिचय दे दूं, गुप्ता जी फरीदाबाद से हैं और एक बिल्डर हैं और इन्हें भी एक्टिंग का कीड़ा काटा हुआ है, इसलिए बराबर कहीं ना कहीं शूट पे भी चले जाते हैं साइड छोड़ करके, जी। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल में कलाकारी भरा हुआ है और बेहतरीन एक्टर हैं।
गुप्ता जी का यही परिचय है और हमारे चैनल के पिलर भी हैं, क्योंकि इन्हीं सब के वजह से मैं इस चैनल को आगे चला पा रहा हूँ। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप में भी टैलेंट है, अगर आप भी सवाल पूछने के काबिल हैं, अगर आप लाइव आकर के आप अपने घर में जहां हैं वहीं से लाइव आइए और हमारे नए गेस्ट से हमेशा सवाल करें, तो आप ओम प्रकाश गुप्ता जी को फोन कर लीजिएगा। अब उनका नंबर है 8210325178, 8210325178 पे आप कॉल करें और हमारे चैनल पे आकर के आप एंकरिंग करें। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप जहां हैं वहीं से आप आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उषा झा मैम धनबाद से हैं और रिकेश महानामा जी फिरोजाबाद से हैं और फरीदाबाद से हमारे श्याम गुप्ता जी हैं और हमारे जितने भी एंकर हैं सब अलग अलग एरिया से जुड़ते हैं, भारत के किसी भी कोने से हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, चाहे अमेरिका से हो चाहे जापान से हो, जिनको भी हिंदी आती है और हमारे चैनल पे एंकरिंग करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और जो कलाकार हैं तो अपना बारे में, अपने बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, अपने संघर्ष की कहानी को हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप आमंत्रित हैं, आप आए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 8210325178 पे। तो चलिए, और मैं एसके गुप्ता सर से बोलूंगा कि आप आए हैं तो थोड़ा लेट ही आए हैं, आपके मन में कोई सवाल है गुप्ता सर तो लवनिया भरद्वाज जी से आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, नमस्कार मैम फिर से। हेलो सर, नमस्ते। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत अच्छा आज आप आई हैं। तो मैं कुछ डायलॉग सुनना चाहूंगा आपकी मूवी का, जो आपने भी मूवीज की हैं। सर ये रिलीज नहीं हुई है। अच्छा, ये सीरीज का जो जो रिलीज हो चुकी है उस फिल्म का डायलॉग हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, तो आपको डायलॉग सुनना है? मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी, सॉरी। सॉरी नहीं, गुप्ता जी विलेन है और ये आपसे चाह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तो आप कैसे मतलब इनको आप कैसे वार्निंग देंगे गुप्ता जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गुप्ता जी आप खड़ी होंगी, समझ में आई? सारी लड़कियां औकात की बात है, शक्ल देखिए कभी आईने में। हाँ बस ऐसे दांत ही पाड़ते रहना हमेशा, जिंदगी भर यही कर सकते हो तुम। वैसे आपको मुझे चेहरा दिख नहीं रहा है इसमें, गुस्सा दिखा नहीं पा रही हूँ। आप दिख नहीं रहे हो गुप्ता जी, डायलॉग आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल, सुपर सुपर। अब एक डायलॉग और गुप्ता जी एक डायलॉग और। गुप्ता जी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन गुप्ता जी आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। अब इसमें डायलॉग डिलीवरी दोनों करें। श्याम, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं यार, हम लोग फ्रेंड ठीक है, तुम्हें मैंने पहले बताया था यार, इतनी क्या हम लोग थोड़ा सा फ्रेंक क्या हो गए, तुम शादी की ऑफर करो यार। नो, अभी मुझे टाइम चाहिए, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, हम लोग एक अच्छे फ्रेंड है, अच्छे दोस्त है यार, सॉरी। मैंने भी ऐसा कुछ शादी के लिए प्लान नहीं किया। शाम पर तुमने ऐसा कभी दिखाया ही नहीं, हमेशा से तुम मुझे ऐसा फील स्पेशल फील कराते थे कि जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यार मैं अच्छे फ्रेंड हैं, मुझे भी लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप एक दूसरे के बिना अधूरा है, बट यार शादी तक मैंने भी कुछ सोचा नहीं है, आई एम सॉरी। देख, हम एक अच्छे फ्रेंड हैं, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, और मैं, मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं आई है। सॉरी लावण्या, देखो ये तुम क्या थॉट है तुम्हारी, तुम क्या सोचते हो,
मैं अभी शादी नहीं करना चाहता तुमसे, हम अच्छे फ्रेंड हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? शाम तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? एक जीवन साथी होने से पहले एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत जरूरी होता है, तो हमारे पास तो ये एडवांटेज है ना, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो शाम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह ऐसा तो नहीं सकती। जरूरी कि एक अच्छा फ्रेंड एक जीवन साथी अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, इसका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए लावण्या जी ने कितना जल्दी अपने आप को ढाली, पहले तिरस्कार की इसके पहले वाले डायलॉग में, और दूसरे वाले डायलॉग में कितना प्यार इनके बोली में था, इनके एक्सप्रेशन में था। ये बहुत एक अच्छे कलाकार की यही पहचान है, और मैं तो कहूँ कहना चाहूंगा कि ये तो औरतों का क्रिया चरित्र भी है। इतना जल्दी एक्शन को चेंज कर देती है जी, बहुत सुपर। मुझे आपकी एक्ट, मतलब आप किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं, और ये बहुत एक अच्छी चीजें हैं, बहुत एक अच्छी चीज है कि जैसे आप सेट पे जाते हैं और आपको डायरेक्टर कोई चीज समझाता है और उस चीज को आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, सो बहुत अच्छी है। मतलब ये एक कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए गुप्ता जी, थोड़ा सा समय भी समाप्ति की ओर है, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों का डायलॉग डिलीवरी। लावण्या जी, जाते जाते आप हमारे नए जो महिला आर्टिस्ट हैं, जो अभी आना चाह रही हैं और जो आ चुकी हैं, एंट्री कर चुकी हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फिल्म क्षेत्र में आना चाहिए उन्हें या नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शिखर, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, मैं जेंट्स के लिए भी, मर्दों के लिए भी बोलना चाहूंगी, लड़कों के लिए भी बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से मुश्किलें लड़कियों को होती है उतनी मुश्किलें लड़कों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को बहुत इजीली काम मिल जाता है, लड़कियों को नहीं होता, सब कुछ नहीं है। तो मैं दोनों के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है टैलेंटेड है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और इस काम को अगर आप कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी काम मिल जाए, मैं कुछ शॉर्टकट अपना लूँ, कुछ ऐसा रास्ता अपना लूँ जिससे कि मुझे जल्दी पहचान मिले, तो इसका मौका कीजिए। अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, आपको वक्त थोड़ा ज्यादा देना होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आप जरूर अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो शॉर्टकट मत लीजिएगा किसी भी तरीके का, और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी कुछ फ्रॉड हैं मुंबई में, जो कास्टिंग डायरेक्टर बने हुए हैं जो कि नहीं है, जो कुछ लोग हैं जो एक्टर बनने गए थे जिनका सपना पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने दुकान खोल ली ऑडिशन की, तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो ऑडिशन के नाम पे आपसे चार्ज करेंगे, जो आपसे चार्ज करेंगे ये कह के कि हम आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, आप पैसा दे दो। कुछ लोग इस बात पे चार्ज करेंगे कि आपको हम ना बहुत बड़ा सीरियल दिलवा रहे हैं, आपको एग्रीमेंट साइन करना है तो इतना आपको एडवांस पे करना होगा। इस तरीके के अगर लोग मिलते हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं आपको काम देने का, तो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहे, कि आप काम करने जा रहे हैं पैसा कमाने, पैसा दे के देने ही जा रहे हो आप, राइट? ये बात मैंने पहले भी बोली है कि प्लीज ऐसे लोगों से बचिए जितना हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। तो या बस मेहनत कीजिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, बराबर मेहनत कीजिए, किसी भी मेहनत करिए, लड़का हो या लड़की हो मेहनत करिए, मेहनत ही आपको सक्सेस का मतलब मंत्र है, सक्सेस का मंत्र मेहनत ही है। आप मेहनत करिएगा, खुद ब खुद सफलताएं आपको मिलता ही जाएगा। तो चलिए, मैं अपने जितने भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जितने भी हमारे मित्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं, तो आप लोग करिए फिल्म का प्रमोशन हमारे चैनल एसपीजेएसजी एंटरटेनमेंट से। इसके लिए मैं काफी खुश रहूंगा, मैं काफी हैप्पी रहूंगा कि मेरे चैनल पे इस फिल्म का प्रमोशन हुआ है और वो सिनेमा घर में टंगने जा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लावण्या जी, आपको मैं
ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में जितने भी हर्डल्स हैं वो खुद ब खुद हटता जाए, हर्डल्स हटता जाए और जीवन में सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलता जाए। आपको जितने आपको हमेशा हर जगह प्रेम मोहब्बत मिलता जाए, आपके जितने दुश्मन हैं खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होते जाएं, यही मैं चाहूंगा। और चलिए, मजा आया आज आपसे बातचीत करके। और उषा मैम, श्याम गुप्ता जी और हमारे रिकेश महानामा जी सब हरफन मौला स्टार हैं, तो सभी के लिए, सभी को आज के शो में आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का आज का दिन तो बीत गया, आज की रात शुभ हो और आने वाला दिन भी शुभ हो। और जितना दिन जिए धरती पे सब बिंदास होकर के जिए और हर दिन आपके लिए शुभ हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Good night. Good night.